ऐसी शर्मिंदगियों से बचने के लिए बच्चियों की तरबियत अच्छी घरों में की जाती है। प्लीज, मुझे खुद भी हूं, किसी के घर आना अच्छा नहीं लगता, मगर एक बात याद रखना, मेरा बेटा मेरा कीमती सरमाया है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं, इसलिए दुआ करो कि कोई खैर की खबर मिल जाए, वरना फिर होती है मुलाकात। जल्द से जल्द हम शादी करने के लिए तैयार हैं। छोड़ो इसे, कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की, बल्कि जाओ अपने कमरे में अपने मियाँ के पास जाओ। मुझे यकीन है कि हमजा जानबूझ के सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाने के लिए कहीं छुप के बैठा हुआ है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। उस लड़की को अगर कुछ पता होता तो हम अब तक हमजा को यहाँ ले आए होते। मुझे तो ये लगता है कि उस लड़की को सब कुछ पता है, वो हमसे छुपा रही है। हमजा ने उस लड़की को समझा दिया होगा कि वो हमारा वीक पॉइंट है, और जब तक हम ये रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते और शादी का ऐलान नहीं करते, हमसे सब कुछ छुपाया जाए। अच्छे खासे सफेद पोश लोग हैं वो, इसीलिए डरपोक भी हैं। हमने जिस तरह की बातें की हैं, मुझे यकीन है वो लड़की हमजा का कहना नहीं मानेगी। तो क्या करें, अपना बेटा छोड़ दे? मैं ऐसा करता हूँ, आई जी को प्लीज आप मत रोए, इंशाल्लाह हमजा मिल जाएगा। हाँ फैयाज, मुझे तुमसे जरूरी मिलना है। नबी me।
सो सॉरी। वो लोग तो ऐसे थे भी नहीं। हमजा ने कहा था कि वो उसकी मोहब्बत में। तुम्हें शर्म नहीं आ रही अभी भी उस लड़के का नाम लेते हुए? नहीं अम्मी, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मुझे नहीं पता था ये सब। मैं तो खुद शॉक में हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी। मुझे अंदाजा था जब तुम पैदा होने वाली थी। मुझे जोड़ जोड़ में तकलीफ होती थी। तुम्हारी पैदाइश पर मैं मरते मरते बची थी। सारी रात टहल टहल कर तुम्हें सुलाने की कोशिश करती थी, पर ना खुद तुम्हें चैन आया ना तुमने मुझे चैन से बैठने दिया। आज बेख्तियार तुम्हारी दी हुई सारी तकलीफें, सारी अजियतें याद आ गई। लेकिन आज की तकलीफ उन सब तकलीफों पर भारी है। बेटियों की दी हुई सब तकलीफों में से सबसे बड़ी तकलीफ वो सिलत होती है जो बेटी की वजह से उसके माँ बाप को मिलती है। मम्मी, तुम मुझसे दूर हो जाओ दिलनशीन। तुम्हारे करीब आने से मुझे घुटन होती है। तुम्हें पैदा करने पर शर्मिंदगी होती है। तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी परवरिश करने पर पछतावा होता है। तुम मुझसे दूर हो जाओ दिलनशीन। इतनी जिल्लत, इतनी जिल्लत, इतनी जिल्लत तो हमने कभी देखी नहीं थी। हमारे खानदान में किसी ने सुनी भी नहीं थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी दिलनशीन। बेशक तुम शादी करके इस घर से चले जाओ तब भी नहीं, मर जाओ तब भी नहीं। मम्मी, तुम इस घर में पैदा क्यों हुई? आखिर तुम जैसी बेटी की माँ मैं ही क्यों हूँ? तुम मुझसे दूर हो जाओ बेहया, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब ऐसे हो जाएगा। अम्मी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मी, मुझे प्लीज माफ कर दे। मुझे पता मैं बहुत बुरी हूँ। अम्मी, चला जाऊंगा तो मेरे वापस आने का काउंटडाउन शुरू कर दे। अगर अम्मी और भाई ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। प्रॉब्लम है, कह देना कि मामा ने दी। मैं तो यही समझती रही अब तक कि मेरी बेटी के उतरे हुए कपड़े बोरो करती रही, लेकिन ये नहीं पता था कि एक साल से मेरा बेटा इस पे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की बारिश कर रहा है।
देखो बेटा, जबरदस्ती किसी के घर बहू बनकर नहीं जाया जा सकता। बेटियों की दी हुई सब तकलीफों में से सबसे बड़ी तकलीफ उससे लत होती है जो बेटी की वजह से उसके माँ बाप को मिलती है। फोन करके हैदर के घर हाँ कहते हैं। लड़की की माँ हूं, खुद से फोन करना अच्छा नहीं लगता। आफिया, अगर तुम अभी, मैं 10 बजे के बाद कॉल करके सारा भाभी को बता दूंगी। मैं देखता हूँ। जी, यावर अहमद साहब। मैं ही यावर अहमद हूँ, कहिए। और वो मोहतरमा दिलनशीन साहब अभी यहीं रहती है? जी, बहन है मेरी। ऐसा कीजिए कि उनको बुलवाइए और आप भी चलिए हमारे साथ। मैं समझा नहीं। आप लोगों को हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने? कर क्यों? सादक हमजा अभी कल से गायब, उसी के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन करनी है। और हाँ, अपनी बहन को कहिएगा कि अपना सेल फोन और सिम भी साथ लेकर आए, इन्वेस्टिगेशन में काम आएगी। देखिए प्लीज, हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा बेटा और बेटी ये थाने में क्यों जाएं? मैम आप दुआ कीजिए उनका बेटा मिल जाए, वरना वो बहुत पहुंच वाले लोग। क्या हुआ यावर साहब, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कोई नहीं, आप जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं। आप रुकें, मैं आता हूँ। अम्मी जाइए अंदर। अम्मी गलीशी को जल्दी से बुलाएं नहीं। और से कहें कि अपना सेल फोन लेकर आए। ये पुलिस वाले इस तरह यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं यार, नहीं। अगर पुलिस के साथ वो गई तो सारा मोहल्ला देखेगा, हमारी इज्जत दो कौड़ी की नहीं रह जाएगी। हमने रजिस्टर किया तो मोहल्ले वाले देखेंगे, हम खामोशी से चले जाते हैं ना। मैं आसिम भाई को फोन। अरे नहीं आफिया, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जल्दी करे, पड़ोसी जमा होना शुरू हो जाएंगे। जाए जल्दी। इससे तो बेहतर था कि तू किसी गाड़ी के नीचे आती और मर जाती, कम से कम इस जिल्लत का मुंह तो ना देखना पड़ता। देखो दिलनशी, कुछ भी पता है ना तुम्हें तो हमें बता। अभी बात सिर्फ पुलिस तक पहुंची है, कल को कोर्ट कचहरी में गई ना तो हम सबकी बहुत बदनामी होगी। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, पुलिस वाले यावर पे हाथ ना उठाए। आसिम भाई को फोन करना। नहीं नहीं, किसी को फोन नहीं करना, किसी को फोन नहीं करना। ये बात खानदान में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे अम्मी के हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे हम। अब जा दफा हो, मेरा मुंह क्या देख रही है? बेशरम बेहया,
वो तेरी ना होने वाली ससुराल ने पुलिस भेजी है तेरे लिए। मेरे लिए? तो क्या तुझे लेने के लिए बारात लेकर आएगा वो अमीर आदमी का बेटा? अरे पुलिस भेजी है उसने तेरे लिए, पुलिस। जा जा, सारे मोहल्ले में से हमारी इज्जत का जनाजा निकलवाती हुई जा। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन कहाँ है तुम्हारा? अम्मी के पास। क्या करें भाभी, छुपा के निकलना मोहल्ले से और बदनामी होने वाली है हमारी। जल्दी करें। चलो मॉम, दिलनशीन ऐसी नहीं है, आप मान क्यों नहीं जाती? तुम तो चुपी रहो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हर दूसरे तीसरे दिन उसको बुला लेती थी। I thought के जो गरीब लड़की है अपनी हसरतें पूरी करने आती है, लेकिन नहीं, वो तो ख्वाब देखने आती थी भाई, इस घर की मालकन बनने के। मॉम ऐसा नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। बहरहाल जैसी भी है, वो इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। तुम लोग किस बहस में उलझ के रहे? हाँ जी मोबाइल। अरे इनका मोबाइल मांग रहा हूं। ये रीका ही है। बड़ी देर कर दी जी आपने इनका मोबाइल अपने पास रखने में। अगर पहले ले लिया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कोड। मुझे थे मैं खोल देती। ओ बीबी जी, जितना पूछा जा रहा है ना उतना बताओ, कोड बताओ। एच। हाँ जी आगे। ए। एम। जेड ए। खुल गया साहब जी। मैसेज हिस्ट्री में शायर क्या खूब कहता है, जरा गौर से सुनिएगा। वो क्या नाम बताया था आपने? यावर।
हाँ यावर साहब, पहले लोगों की इज्जत अपने हाथ में होती थी और आजकल तो इस मोबाइल में है जनाब। यू लुक प्रीटी इन ब्लू वो ड्रेस। माई प्रिटीनेस इज इनकम्प्लीट विदाउट यू एंड आई एम इन कंप्लीट विदाउट यू। कल कॉलेज के बाद चलोगी ना? घर पे क्या बोलूंगी आप कह देना कि कल प्रैक्टिकल की क्लास है। वो तो बेचारा प्रैक्टिकल की क्लास अकेले ही अटेंड कर रहा होगा। हमजा, आई लव यू। दिल नशी, आई लव टू। बस बस कीजिए इसे चूसा। आपने मुझे जेल में डालना है ना, आप डाल दें प्लीज। इज्जत को इस तरह ना उछले प्लीज। जनाब अभी इज्जत उछली कहां है? वो लोग बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं वरना अब तक खबर छप चुकी होती। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा एक दिलनशी नामी लड़की के इश्क में मुब्तला होकर अपने घर से गायब हो गया है। सब दुआ करो कि वो लड़का मिल जाए। वो लड़का कहीं बैठा अय्याशी कर रहा होगा और आपको मैं ही गरीब मिला हूं इस नाम की कार्रवाई के लिए। आप खुद बताएं ऐसे जो साहब, अगर वो लड़का गायब है तो क्या कसूर? क्या ये मैसेजेस साबित करते हैं कि उस लड़के के गायब होने में मेरी बहन का हाथ है? ये मैसेजेस ये साबित तो करते हैं कि आपकी बहन का जोरों से इश्क चल रहा है उस लड़की के साथ। ये आखिरी मैसेज सुनो। हमजा, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे ना? हाँ हाँ दिलनशीन, मैं कह रहा हूँ ना, तुम परेशान मत हो, वो मान जाएंगे। वेरी होपफुल। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगी। मैं घर वालों से बात करता हूँ, तुम प्लीज परेशान मत हो। मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमजा प्लीज अपने घर वालों से बात करो और जल्दी से मुझे यहाँ से ले जाओ। दिलनशीन, I love you, I really love you। तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती और ये मैं होने भी नहीं दूंगा। हाँ तो आपकी तरफ से है ना?
ये लो बाबरा, मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के लिए। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा, वैसे ही आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, बस अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। और भाई तुम भी दुआ करो कि मेरे हैदर की दुल्हन जल्दी से आ जाए, तुम्हारा काम बहुत बढ़ जाएगा। वैसे रमशा और आयान चीजें फैलाया करेंगे और तुम समेटा करोगी। रमशा और आयान, ये कौन है? भाई ये मेरे हैदर के होने वाले बच्चों के नाम है। बेगम साहब अपने नाम भी सोच रखे हैं। हाँ भाई, मैंने तो और भी बहुत कुछ सोच के रखा है। अच्छा तुम मेरे लिए जरा अच्छी सी चाय बना लो। जी अभी लाई। अस्सलाम। अच्छा मैं जा रहा हूँ। आज जरा देर नहीं हो गई तुम्हें? जी वो एक्चुअली मेरी साइट पे मीटिंग है हाईवे की तरफ, तो वहाँ से फिर ऑफिस जाऊँगा, तो घर आते आते देर हो जाएगी, आप इंतज़ार मत कीजिएगा। भाई मेरे लिए तो ठीक है, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ, लेकिन अब ये देर से आना जाना छोड़ दो, बीवी तुम्हारी इंतज़ार नहीं करेगी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उन लोगों ने हाँ कह दी हो। अभी तक तो नहीं की है भाई, ये लड़की वाले थोड़ा सा वक्त लेते हैं ताकि हमें ये एहसास हो कि लड़की के रिश्ते बहुत हैं। अब कितना परसेंट श्योर हैं कि जवाब हाँ में आएगा? मोर देन 100%। बल्कि ऐसा है कि शायद सारा को कुछ बताया हो उन्होंने। नहीं नहीं, सारा को फोन करने की क्या जरूरत है, जो भी हाँ ना में जवाब आना है आने दे। बेटा हो सकता है कि उसने आफिया को बताया हो और वो हमें बताना भूल गई हो। ठीक है माँ, जैसे आपका दिल। कॉल करने देना आसिम भाई को, बहुत देर हो गई है। अभी बात हुई तो है यावर से, कह रहा है कि बस सिर्फ बिठा कर रखा हुआ, मामला अगर ज्यादा खराब हुए तो तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कर सकेगा। आफिया, यावर तुम्हारा शौहर है लेकिन मेरा बेटा भी है, मुझे भी उसकी उतनी ही फिक्र है, लेकिन मुझे दिलनशीन का भी सोचना है ना। बात अगर घर से निकल गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। सर आप परेशान नहीं हो, तसल्ली रखें, अल्लाह सब ठीक करेगा। सर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। फोन किया उसे? फोन किया है, फोन बंद आ रहा है उसका। सर जी मैसेज आया है। बड़ो क्या लिखा है? हाय हमजा हियर, मैंने अपना नंबर तब्दील कर दिया है, इस नंबर पे मैसेज करें। सर जी कॉल करें। यार तो एटलीस्ट अपनी सिस्टर को तो इन्फॉर्म कर देता। क्या बात कर रहा है यार, उसने फौरन मॉम डैड को बता देना है। और तुझे क्या लगता है तेरे इस तरह यहाँ भाग के आ जाने से तेरी मॉम मान जाएंगी? 100%। और अभी तू देखना तेरे फ़ोन पे दिलनशीन का मैसेज आएगा कि मॉम आई है रिश्ता लेकर। यार मुझे नहीं लगता कि तेरी मॉम अपने स्टेटस और क्लास पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी। कॉम्प्रोमाइज़ तो उन्हें करना पड़ेगा। एक बात बता, तुझे इतनी लंबी करने की क्या ज़रूरत थी? तू सीधा सीधा दिलनशीन से कोर्ट मैरिज कर लेता। यार आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मॉम ऐसे रिएक्ट करेंगी। दिलनशीन का मैसेज है। दिखा। यार उसे मेरी फिक्र हो रही है, लेट मी कॉल है, तू बैठ जा। चल
ओ साहब जी उसी नंबर से कॉल आ रही है, उठाऊं? काट दो। फोन क्यों नहीं उठा रही है यार? मैसेज करो कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, भाई सामने बैठे हुए अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती भाई सामने बैठे पूछो तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो अभी? साहब जी मैसेज आया, आई एम ओके मेरी जान, मैं अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस पे हूं। लिखो I'm coming, John. I'm coming, John. Send. Likha. Number trace karo. Okay, sir. आप लोग जा सकते। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम माँ, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ये बताओ, कुछ दिन से चक्कर नहीं लगाया? जब मेरी तबीयत खराब होगी जब ही आओगी क्या? माँ अफशीन की शादी की दावतों में बहुत बिजी चल रही हूँ, कल परसों चक्कर लगाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम अपनी ससुराल के काम निपटाओ। मैं तो असल में अनीसा बेगम का पूछ रही थी कि कोई जवाब दिया, कोई कॉल ही नहीं आई उनकी। माँ उन्होंने कहा वो सोच कर जवाब देंगे। तो सोचने में इतना वक्त थोड़ी लगता है, तुम माफिया को समझाओ कि ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अब माँ हम उनसे जबरदस्ती हाँ तो नहीं करवा सकते ना, जाहिर है वो भी सोच समझ कर ही जवाब देंगे। तो पता तो चले क्या सोच रही हैं, क्या समझ रही हैं। बेटा तुम कम से कम माफिया से बात करो। अच्छा माफिया आती है ना तो मैं उससे बात करती हूँ। आएगी नहीं, तुम जाओ उसके पास। देखो अल्लाह अल्लाह करके तो हैदर ने कोई लड़की पसंद की है, अब बेटा मैं डरती हूँ कहीं वो फिर बदल ना जाए। देखो उनकी कोई भी शर्त होगी ना हम पूरी करेंगे, बस तुम जवाब ले लो और वो भी हाँ में होना चाहिए, समझी? कब तक मेरा हैदर यूं अकेला रहेगा? अच्छा ठीक है माँ, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आफिया से बात कर लूंगी। चलो बस जल्दी करना। ओके खुदा हाफिज। लगता है यावर आया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आप? वालेकुम सलाम। मैं बस यही करीब में ही आई हुई थी, सोचा आपसे भी मिलूं। अच्छा किया अंदर आई। अम्मी सारा भाभी आई है। आए ना, आप बाहर क्यों खड़ी है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं बस ऐसे फ्लू हुआ है।
बैठे अब्बी को बुलाती हूँ। ठहरो, मुझे तुमसे ही बात करनी है, बैठे ना। तुमने दवा ली? अभी यावर आएंगे ना तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अरे तो मेरे साथ चले जाओ, नीचे ड्राइवर है। अब नहीं भाभी, आप बताए क्या पूछ रही थी आप? माँ तुम लोग के जवाब का इंतजार कर रही हैं। आज उन्होंने मुझे कॉल की थी कि मैं तुमसे पूछूं। अच्छा, अम्मी भी आपको फोन करने वाली थी। अरे सारा, ये है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। अम्मी वो सारा भाभी हमारा जवाब जानने आई। हाँ वो भाई, हमें तो तुम्हारा भाई और तुम्हारी अम्मी बहुत पसंद आए हैं, तो हमारी तरफ से तो हाँ। जी अच्छी, माँ ये खबर सुन के बहुत खुश होंगी। एक्साइटेड तो आप भी कम नहीं लग रही हैं। कोर्स, एक ही तो भाई है मेरा। आंटी आप देखिएगा, इधर भाई दिलनशी को बहुत खुश रखेंगे। अच्छा आंटी, दिलनशी नजर नहीं आ रही, कॉलेज गई हुई है क्या? हाँ। अच्छा आफिया तुम बैठो भाभी के पास, मैं चाय बना के लाती हूँ। वो एक्स्ट्रा क्लास थी ना, वो लेने के लिए गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। मुझे जेल में डालना है ना, आप डाल दें प्लीज, को इस तरह ना उछाले। अकेले चलते चलते हुसाए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। सब माहौल हो रहा है घर का, ऐसे जैसे कोई जनाजा निकला। जनाजा ही तो निकला है, हमारी इज्जत का। ये अमीर लोग तुम्हें अपनी बेटी की उतरन तो पहना सकते हैं, लेकिन इज्जत से तुम्हें अपने घर ब्याह के बहू नहीं बना सकते। ये क्या बचपना है? बताओ कैसे चलाया ये जगह, कहाँ घूमती फिरती रही हो उसके साथ, कहाँ कहाँ जाती रही हो उस लफंगे के साथ? कहीं नहीं जाती थी, मैं हाथ छोड़े नहीं जाती थी, तो घर बैठे ही हो गया ये चक्कर। हाँ ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी बेसब्री की वजह से हो रहा है। ना तुम इतने बेसब्रे होते और ना